मां के निधन से बुरी तरह से टूटे महेश बाबू, लंबी बीमारी के बाद लिए आखिरी सांस। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले महेश बाबू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का निधन हो गया है। उन्होंने 28 सितंबर की सुबह 4 बजे हैदराबाद में आखिरी सांस ली थी। बताया जा रहा है कि महेश बाबू की मां पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही थी। वह उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। उन्हें हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन महेश बाबू की मां की तबीयत और बिगड़ती चली गई और 18 सितंबर को वो परिवार को रोता बिलखता छोड़ गई। हम आपको बता दें कि महेश बाबू के पिता कृष्णा अपने जमाने में तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार रह चुके हैं। उन्होंने पहली शादी इंदिरा देवी से ही की थी, जिनसे उनके 5 बच्चे हुए। इन 5 में से महेश बाबू 4th नंबर पर हैं। बाद में कृष्णा ने इंदिरा देवी से तलाक ले लिया और एक्ट्रेस विजय निर्मला से शादी कर ली। लेकिन इंदिरा देवी ने फिर भी शादी नहीं की। उन्होंने अकेले ही अपने सारे बच्चों की परवरिश की। महेश बाबू मां के बेहद करीब हैं। मां का सहारा छिन जाने के बाद महेश बाबू किस हाल में होंगे, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। फैंस महेश बाबू की मां इंदिरा देवी को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक्ट्रेस को स्ट्रांग रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।